प्रिय मित्रों, रामचरितमानस की कथा हम प्रत्येक दिन अपने चैनल के माध्यम से आपको सुनाते हैं। आप लोगों से सादर विनती करते हैं कि आकर मेरे द्वारा कही गई कथा को सुनें और इसमें जो गलतियां हो उसमें अपना आप बहुमूल्य सुझाव दें। आज का जो प्रसंग है कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में अपना पड़ाव डाली है और वहाँ शूर्पणखा का आगमन हुआ है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कि धर्म ते बीरति जोग ते ज्ञाना, जय सिया राम जय जय हनुमान। अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जय सिया राम जय जय हनुमान। जाते बेगी द्रबऊ मैं भाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अशो मम भगति भगत सुखदाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं सिद्ध ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। अशो सुतंत्र अवलंबनाना, जय सिया राम जय जय हनुमान। अति आधीन ज्ञान विज्ञाना, जय सिया राम जय जय हनुमान। अभगति तात अनुपम सुख मूला, जय सिया राम जय जय हनुमान। अमिलै जो संत होई अनकूला, जय सिया राम जय जय हनुमान। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो भक्ति के अधीन है। हेतात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं, संत अनुकूल होते हैं। अभगति की साधन कहउ बखानी, जय सिया राम जय जय हनुमान। असुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अप्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, जय सिया राम जय जय हनुमान। अनिज निज कर्म निरत श्रुति रीति, जय सिया राम जय जय हनुमान। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल कुनि विषय बिरागा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अतब मम धर्म उपज अनुरागा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अश्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही,
जय सिया राम जय जय हनुमान। अम्मम लीला रति अति मन माही। जय सिया राम जय जय हनुमान। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि नौ प्रकार की भक्ति आदृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। असंत चरण पंकज अति प्रेमा। जय सिया राम जय जय हनुमान। अमन क्रम बचन भजन दृढ़ने मा। जय सिया राम जय जय हनुमान। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। जय सिया राम जय जय हनुमान। सब मोहि कह जानै दृढ़ सेवा। जय सिया राम जय जय हनुमान। जिसका संत के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। अम्मा मगुन गावत पुलक शरीरा। जय सिया राम जय जय हनुमान। अगद गद गिरा नयन बहनीरा। जय सिया राम जय जय हनुमान। काम आदि मद दंभन जाके। जय सिया राम जय जय हनुमान। अतात निरंतर बस मैं ताके। जय सिया राम जय जय हनुमान। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निकाम। अतिनके हृदय कमल महू करउ सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। अभगति जोग सुनियति सुख पाबा। जय सिया राम जय जय हनुमान। लक्ष्मण प्रभु चरण निशिरुनावा। जय सिया राम जय जय हनुमान। यही विधि गए कछुक दिन बीती। जय सिया राम जय जय हनुमान। कहत विराग ज्ञान गुण नीति। जय सिया राम जय जय हनुमान। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अपार सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुर्प नखा रावण कै बहिनी। जय सिया राम जय जय हनुमान। दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। जय सिया राम जय जय हनुमान। पंचवटी सो गई एक वारा। जय सिया राम जय जय हनुमान। देखी बिकल भई जुगल कुमारा।
जय सिया राम जय जय हनुमान। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल यानी कि काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उरगारी जय सिया राम जय जय हनुमान। अपुरुष मनोहर निरखत नारी जय सिया राम जय जय हनुमान। अहोई बिकल सक मनहि न रोकी जय सिया राम जय जय हनुमान। अजिमि रबि मनि द्रब रबहि बिलोकी जय सिया राम जय जय हनुमान। काकभुसुंडी जी कहते हैं, ये गरुड़ जी शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्री हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूरजकांत मणि सूरज को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। अरुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली बचन बहुत मुसुकाई जय सिया राम जय जय हनुमान। तुम सम पुरुष नमो सम नारी जय सिया राम जय जय हनुमान। यह संजोग विधि रचा बिचारी जय सिया राम जय जय हनुमान। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप अपुरुष जग माही देख खोजी लोकति हूँ नाही। ताते अब लगी रह कुमारी मनु माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष बर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोक को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी माने अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मनमाना चित ठहरा है। सीताई चिताई कही प्रभु बाता जय सिया राम जय जय हनुमान। अहि कुवार मोर लघु ब्राता जय सिया राम जय जय हनुमान। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी जय सिया राम जय जय हनुमान। प्रभु बिलोकी बोले मृदु बानी जय सिया राम जय जय हनुमान। सीता जी को देखकर सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है, मैं तो शादीशुदा हूँ। अब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले कि सुंदरी सुनहु मैं उन कर दासा अपराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ अकोसल पुर राजा जो कछु करही उन्हीं सब छा जा। हे सुंदरी सुनो,
मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कुशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब फबता है। असेवक सुख अचह मान भिखारी, अभ्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, अलोभी जसु अचह चार गुमानी, अनभ दुहि दूध चह तये प्राणी। सेवक सुख माने भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी व्यसनी कहते हैं जिसको जुए शराब आदि का व्यसन हो माने नशा हो, और धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे। तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। अपुनी फिरी राम निकट सो आई, जय सिया राम जय जय हनुमान, अब प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जय सिया राम जय जय हनुमान, जो त्रिन तोरी लाज परिहरई, जय सिया राम जय जय हनुमान। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई, प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुमको वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज जो होगा वही तुमको बरेगा। तब खिसियानी आराम पही गई, अरूप भयंकर प्रगट तभई, असीत ही सभय देखी रघुराई, अकहा अनुज सन सैन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई यानी कि क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव शो नाक कान बिनु किन, अत्ता के कर रावण कह मनो चुनौती दिन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फूर्ति से उसको बिना नाक कान का कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। हर नाक कान बिनु भय बिकरारा, जय सिया राम जय जय हनुमान, जनु अस्त्र सैल गेरु के धारा, जय सिया राम जय जय हनुमान, अखर दूषण पही गई बिल पाता, जय सिया राम जय जय हनुमान, अधिक धिग तब पौरुष बल भ्राता, जय सिया राम जय जय हनुमान। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगे मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई और बोली कि हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। अते ही पूछा असब कहे सी बुझाई, अजा तुधान सुनी सेन बनाई, अधाए निशिचर निकर बरू था, अजनु सपच कज्जल गिर जूता। उन्होंने पूछा तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की, राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो।
अन्ना ना बाहन अन्ना ना कारा अन्ना ना युद्ध घर घोर या पारा असुपन खा आगे करलिन्नी अशुभ रूप श्रुति न साहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के माने अनेक सूरतों के है। वे अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए है। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपनी शूर्पनखा को आगे कर लिया। असगुण अमित हो ही भयकारी अज्ञन ही न मृत्यु विवश सब झारी अगर जही तर जही गगन उराही देखी कटक उभट अति हरसाही। अनगिनित भयंकर अपशकुन हो रहे हैं परंतु मृत्यु के बस में होने के कारण सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं गरजते हैं ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। अको कह जियत अधरहु दौ पाई अधरी मारहु तिये लेहु छराई अधूरी पूरी नभ अमंडल रहा राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा अल्लै जानकी जाहु गिरी कंदर आवानी सिचर कटक भयंकर अरहे उस जग अश्विनी प्रभु कै बानी अचले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम अरिपुदल चलियावा अभिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। आको दंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यो मरकत सैल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुज गजो कटि कसिनि संग विशाल भुज गही चाप विष की सुधारी कै चितबत मनहु मृग राज प्रभु गज राज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जुड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलिया से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कस कर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उसकी ओर ताक रहा हो। आई गए भगमेल आई गए बगमेल धरहु धरहु धावत शुभट जथा बिलो की अकेल बाल रही घेरत धनुजा। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर
मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। अब प्रभु बिलोकी सरस कहीं न डारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अथकित भई रचनी चरवारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। असचिव बोली बोले खर दूषण, जय सिया राम जय जय हनुमान। यह कोई निरपबा लकनर भूषण, जय सिया राम जय जय हनुमान। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। ना गया सुर सुर नर मुनि जेते, जय सिया राम जय जय हनुमान। अदेखे जीते हते हम केते, जय सिया राम जय जय हनुमान। अहम भरी जनम सुनहु सब भाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अदेखी नहीं असी सुंदरताई, जय सिया राम जय जय हनुमान। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। अजदपि भगनी किन्न कुरूपा, जय सिया राम जय जय हनुमान। बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अदेहु तुरत निज नारी दुराई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अजियत भवन जाहु दो भाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन बहिन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। हम मोर कहा तुम ताहि सुना बहु, जय सिया राम जय जय हनुमान। अतासु बचन सुनी आतुर आ बहु, जय सिया राम जय जय हनुमान। अदूतन कहा राम सन जाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। असुनत राम बोले मुसुकाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी ने कहा, उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, क्या बोले कि हम क्षत्री अमृग्यावन करही, जय सिया राम जय जय हनुमान। तुमसे खल मृग खोजत फिरही, जय सिया राम जय जय हनुमान। अरिपु बलवंत देखी नहीं डरही, जय सिया राम जय जय हनुमान। एक बार कालहुसन लरही, जय सिया राम जय जय हनुमान। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। अजदपि मनुज धनुज कुल घालक, जय सिया राम जय जय हनुमान। अमुनि पालक खल सालक बालक, जय सिया राम जय जय हनुमान।
आ जाओ न होई बल घर फिरी जाहूं। जय सिया राम जय जय हनुमान, समर विमुख मैं हतउ न काहूं। जय सिया राम जय जय हनुमान। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण चढ़ी करिए कपट चतुराई, जय सिया राम जय जय हनुमान। हरिपुप पर कृपा परम कदराई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अदूत न जाई तुरत सब कहेऊ, जय सिया राम जय जय हनुमान। अशुनि खर दूषण उर अति दहेऊ, जय सिया राम जय जय हनुमान। उर दहेऊ कहेऊ की धर उधाय, विकट विकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति सुल कृपान परिध परशु धरा। प्रभु किन्नी धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा, तब उन्होंने कहा पकड़ लो कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धावान धनुष तोमर शक्ति शूल कृपान परिध और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान हुई धाय जानी सबल आराती, अलागे बरसन राम पर अस्त शस्त्र बहुबाती। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तीलशम करि काटे रघुवीर, अतानि सरासन श्रवण लगी पुनिचारे निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तील के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े तो बोलिए जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। 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 दीन दयाल बीरद शंभारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। एक घड़ी या दो घड़ी यादों में पुनियाद, अतुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सियावर राम चंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव।